तो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यूकॉल ब्लूटूथ के बारे में, जो कि काफ़ी बढ़िया है और बहुत ही बढ़िया है। मैंने खुद यूज़ करा है और ये रहा उसका डब्बा, बहुत ही मस्त है। और इसका साउंड क्वालिटी जो है वो गजब का है, और इसका जो म्यूज़िक है, सिस्टम है, बेस है, सब कुछ बढ़िया है। ये रहा उसकी ईयरबड्स और ये है उसके लुक्स, ये आपको दिख रहा होगा, बहुत ही बढ़िया है। और मैं यहाँ NOC के म्यूज़िक प्ले करके दिखा रहा हूँ आपको, काफ़ी बढ़िया चल रहा है। और कॉपीराइट की वजह से मैं ये बजा रहा हूँ, बहुत ही मस्त साउंड आ रहा है। आपको मैं माइक के करीब ले जाके दिखा देता हूँ, शायद आपको साउंड सुनाई दे रहा हो अभी, बहुत ही मस्त है। और ये अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर कोई इशू आता है तो आप उसको रिप्लेस कीजिए, आप चेंज करवाइए, और अगर वो शायद कोई ख़राबी निकले तो। अगर आपको ये लेना है, ये ग्लोइंग लाइट भी है इसमें, यहाँ पर तो लाइट्स यहाँ चमक रहा है, जब आपका कनेक्ट हो जाता है तो इस पर ये लाइट चमकेगा ये एरिया। तो ये काफ़ी मुझे बहुत बढ़िया लगा, और ये कनेक्टिंग के हिसाब से भी यही है, क्योंकि यहाँ रखने के बाद, जब हम यहाँ रख देंगे, रखने के बाद यहाँ जो हमारे ये दिख रहे होंगे आपको, कनेक्ट ऑन ऑफ पावर है, ये वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए, और कॉल भी ईजी एक्सेप्ट हो रहा है और बात भी हो रहा है। मैंने मतलब रेंज जब ट्राई करा तो इसका जो रेंज है वो 10 मीटर से ज़्यादा का रेंज है, क्योंकि मैंने देखा, ट्राई करा था बहुत दूर जाके, वहाँ तक के भी कनेक्ट हो रहा है सीधा होने पे। अगर कोई आप इस रूम से उस रूम पे जाते हैं तो वहाँ भी कनेक्ट हो रहा है, अगर 2-3 रूम पार करेंगे तो आपको वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। पर अगर ये अगर आप लेना चाहते हैं, काफ़ी लो प्राइस है, बहुत बढ़िया है। इस प्राइस में अगर आप लेंगे तो आपको शायद ही नुकसानों को नुकसान नहीं होगा, और इसका जो आजकल क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी है, और इस प्राइस में अगर आप दूसरे ब्रांडों में जाएंगे, सैमसंग वैमसंग में, तो आपको 2500 से 3000 का पड़ जाएगा। तो उस प्राइस में लेना मेरे हिसाब से बेकार है। और ये स्टाइलिश भी है, लाइट वेट भी है, ज़्यादा इसमें वज़न भी नहीं है, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा, तो आप ये लें, ये मेरे लिए बहुत परफेक्ट है और आपके लिए भी परफेक्ट होगा। और अगर आप इसको कहीं भी छुपा भी देंगे ना कॉलर के अंदर, जैसे आप कॉलर है आपके, तो मेरे तो इस पर है नहीं, तो ये इजी बिल्कुल ढका रहता है, और ये आपके जो बड्स हैं ये बिल्कुल बाहर रहता है। और इसके साथ ये जो बड्स हैं ना, ये 4-5 आया हुआ है साथ में, तो आपको शायद ये बार बार कलरफुल चेंज करने में अच्छा रहेगा। और कभी गंदा भी हो जाए तो इसको आप निकाल के फेंक सकते हैं, और बच्चे कई दफ़ा निकाल के इसको फेंक देते हैं, तो ये भी बढ़िया रहेगा कि आप वो डाल सकते हैं अलग अलग कलर के, तो आपको अच्छा लगे शायद। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, तुम्हारे भाई को सपोर्ट की ज़रूरत है।